अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आज पांडे जी भी दिखे। जो चोरी हुआ था उसके बारे में भी हमको इम्पोर्टेंट इंटेलिजेंस मिला, उसको इंदौर शहर से शेयर किया गया है और उनको भी वो डंपर बरामद करने में मदद की। इस तरीके से ये पुलिस टीम ने काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है, जिसमें थाना प्रभारी अमित सोलंकी, उनके उपनिरीक्षक गोपाल चौधरी, सहायक उपनिरीक्षक कमल सिंह ठाकुर, नितिन चंद्रवंशी, प्रधान आरक्षक कुलदीप सिंह, राम प्रताप सिंह चौहान, दिनेश मुखाती, भरत चौधरी और साइबर सेल में सब इंस्पेक्टर पवन यादव, सचिन चौहान, शिव प्रताप सेंगर, संजय शर्मा एवं योगेश कदम, इनके द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इनको यथोचित पारितोषिक दिया जाएगा और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा द्वारा की। जैसा आप सबको विदित है, थाना बीएनपी में दिनांक 28 और 29 तारीख की दरमियानी रात में एक टाटा कंपनी का डंपर चोरी गया है। तत्कालीन थाना प्रभारी अमित और उनकी टीम ने इसको संज्ञान में लिया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसके बारे में सभी को ब्रीफ किया किस तरीके से इसमें कार्रवाई में आगे बढ़ना है और ये हमारे लिए चैलेंज था। तत्काल में कोई क्लू नहीं था, लेकिन थाना प्रभारी अमित और उनकी जो टीम साथ में थी, उन लोगों ने इसको रेखी करना प्रारंभ किया। वहाँ के आसपास से लोकल इंटेलिजेंस गैदर करी, साथ ही साथ वहाँ के सीसी कैमरे और फुटेजेस भी देखना चालू किया। उसी दौरान उनको एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि कुछ हुलिया और उसके हिसाब से कुछ आइडेंटिफिकेशन हुए कि व्यक्ति विशेष कहाँ के हो सकते हैं। जिस तरह से डंपर रवाना हुआ था उसी को फॉलो करते गए, फॉलो करते करते राजस्थान बॉर्डर क्रॉस किए, राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले तक पहुँचे और ये समझ में आ रहा था कि भीलवाड़ा से भी आगे मूवमेंट इसमें दिल्ली के आसपास जो अपना मैदानता के आसपास का इलाका है जिसको नू और मेवाड़ का जिला बोलते हैं, वहाँ तक जाने की संभावना लग रही थी। पुलिस को भीलवाड़ा में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली, जिसमें कि गुलामुद्दीन करके आरोपी है उसको हम राउंड अप करने में सफल हुए। गुलामुद्दीन से जब पूछताछ हुई तब उनके द्वारा बताया गया कि विभिन्न टीम इसमें काम करती हैं, इनका कार्य करने का मोडस ऑपरेंडी रहता है कि एक टीम रेखी करती है, एक टीम इसमें चाबी के माध्यम से या जिस तरीके से इसको GPS को हटाकर इसको चोरी करते हैं। इस तरीके से इनके द्वारा ये वारदात की गई थी। यहाँ की पुलिस ने तकरीबन ये सारे संपूर्ण जिले मध्य प्रदेश के तथा राजस्थान ये कवर किए, जहाँ पे भी आवश्यक सीसी फुटेज मिले उन सबको भी कवर किया और लोकल इंटेलिजेंस ने इसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसका एक अन्य साथी है अरशद नाम का और उसके दो साथी जो अरशद के साथ आए थे उनकी पुलिस को तलाश है, शीघ्र ही हम उनको पकड़ेंगे। जब हम लोगों ने यह BNP थाने का डंपर खोजा उसी दौरान अरे तू मैंने हुआ है क्या है पूरा मामला। दिनांक पिछले महीने की 28-29 तारीख की दरमियानी की रात है, जिसमें कि टाटा कंपनी का एक डंपर जैतपुरा फंटा से चोरी हुआ था। तत्कालीन उसमें थाना प्रभारी CSP देवास इनकी टीम लग गई थी और पुलिस को इसमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मुख्य आरोपी
जो गुलामुद्दीन को हम लोग भीलवाड़ा से गिरफ्तार कर सके हैं, डंपर भी बरामद किया है। यह कि इसी कड़ी में हमको एक महत्वपूर्ण सफलता खड़ेल थाना क्षेत्र में चोरी गए डंपर के बारे में भी मिली थी, जिसको भी बरामद करने में मदद की गई है। इसके अन्य साथी हैं अरशद और उसके दो अन्य जो साथी हैं उनकी तलाश है, शीघ्र ही इनको हम गिरफ्तार करेंगे। सर, जिस तरह से आपने बताया दो डंपर गए थे, तो ये क्या पूरा गैंग है या पूरे ऑल इंडिया? ये पूरा गैंग है, जिसमें कि ये लोग GPS के बारे में भी जानते हैं, अन्य सब गतिविधियाँ जानते हैं और इनको रूट भी क्लियर रहता है किस जगह से जाना है, और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, एक बार फिर जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए सीसीटीवी कैमरे, 40 लाख रुपए का इसका कीमत। सीसीटीवी कैमरे एक बार फिर कारगर साबित हुए, इस प्रेस नोट में लिखा करीब 600 सीसीटीवी फुटेज खंगाले पुलिस ने जब वहाँ तक पहुँचे, क्या कहना किस तरह से पुलिस वहाँ तक पहुँची और राजस्थान से इनको पकड़ा? यहाँ की लोकल इंटेलिजेंस रहती है, उससे भी हम लोग मदद लेते हैं, दीगर जिलों की पुलिस है उनसे भी मदद लेते हैं। जहाँ पे हम लोगों को लगा कि कोई संदिग्ध दिखा तो उसको हमने सीसीटीवी कैमरे की कड़ी से भी जोड़ा और इस तरीके से हम भीलवाड़ा तक पहुँचे और उसको गिरफ्तार किया। सर, कुछ माह पूर्व देवास जिला अस्पताल से एक नवजात बच्ची चोरी हुई थी, जिसमें 27 टीमें जांच कर रही थी, आज दिनांक तक क्या अपडेट है सर उस मामले में? इसके पूर्व की घटना है, इसको हम दिखवा के मैं आपको। काजी साहब फरार है सर, क्या कहेंगे? इसमें लगातार पुलिस पार्टियाँ हैं, पुलिस की भोपाल में भी दबिश हुई है, शीघ्र हम गिरफ्तार। मेरा 29 तारीख की रात में विगत महीने जो महीना गया उसके 29 तारीख की रात को 12:27 पे जेतपुरा पंप पे व्यवस्थित खड़ा था, जहाँ मैं पेट्रोल डीजल भरवाता हूँ, जैसे कहीं अदर जगह नहीं खड़ा था, व्यवस्थित खड़ा था, वहाँ से ये चोर उठा के ले गए थे। और फिर इसके बाद मैंने पुलिस प्रशासन के जो संबंधित थाना क्षेत्र है मैं वहाँ गया था, तो वहाँ अमित जी और उनकी टीम बैठी थी। मैं जैसे ही गया, उनने एक सामान्य व्यक्ति जैसे ही मैंने बात करी उनसे कि साहब मेरा एक डंपर चोरी हो गया, तो वहाँ के TA साहब और वहाँ के स्टाफ ने मेरे से 15 मिनट में मेरे साथ दौड़ गए थे। अच्छा, आपका डंपर मिल चुका, क्या कहेंगे देवास पुलिस के लिए? देवास पुलिस बधाई के गांव है, मैंने खुद ने अपने उसमें देखा है, 8 दिन में भी पीछे दो तीन दिन इनके साथ रहा, तो सुबह 6 बजे से उठते थे और रात को 12 बजे तक एक जैसा ढूंढते रहते थे। तो आप भी टीम के साथ गए थे क्या? मैं गया था देखा, पर 3 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हुई, तो इसी टीम ने कहा कि आप घर जाइए, ये बोले अपनी सेंटर आएंगे। और मैंने देखा कि पुलिस के पे दबाव बनाने की बजाय पुलिस के सहयोगी बनेंगे तो अपराध जल्दी से जल्दी कवर होंगे, ये मैंने इस अभियान में देखा है कि आप। मेरा विजय गहलोत। क्या कीमत थी आपके ट्रक की? ये 52 लाख रुपए का, अभी नया ट्रक है, 1 साल पुराना है, तो आज भी बीमे में उसकी कीमत 42,75,000। कहाँ से चोरी हुआ था आपका ट्रक? जेतपुरा से। आपका नाम? विजय गहलोत।